Hello everyone. Today I'm going to discuss satire. Satire Punjabi mein isko vyang kehte hain aur Hindi mein bhi satire ko vyang kehte hain. Satire ek genre hai literature mein aur iska sambandh seedhe reform se hai. एक बदलाव से, एक सुधार से. जब कोई राइटर एक व्यंग या सटायर लिखता है, तो उसके मन में कुछ जो चीजें होती हैं समाज को लेके, जो कि समाज में वीकनेसेस हैं, जो लोगों में कुछ वीकनेसेस हैं, जो लोग मूर्ख काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको उनमें सुधार वो देखना चाहता है. तो उन लोगों को पॉइंट पे रख के, उन लोगों के ऊपर केंद्रित हो के वो अपना वर्क लिखता है, सटायर लिखता है. सटायर हमेशा एक, इसको क्रिटिसिज्म माना गया है, आलोचना माना गया है, और ये कंस्ट्रक्टिव है. कंस्ट्रक्टिव मींस इट्स नॉट अ डिस्ट्रक्टिव. ये कुछ सृजनात्मक, कुछ पॉजिटिव करना चाहता है. जब व्यंग किया जाता है किसी की कमियां, किसी की मूर्ख स्वभाव के बारे में जब लिखा जाता है, तब जो एक राइटर है, जो सटायर लिखता है, वो जब उनकी कमियां निकलती हैं, तो एक तरह का ह्यूमर, एक तरह का लाफ्टर पैदा होता है, और उसको पढ़ने से रीडर्स खुश होता है, हंसता है उन लोगों की कमियों को देख के. अक्सर ये देखा गया है कि जो सटायर है वो लार्जर ऑडियंसेस के लिए होता है. मतलब राइटर ने जब सटायर लिखना है, व्यंग करना है, तो उसके मन में जो लोग होंगे वो एक स्टेट के, वो एक देश के, वो एक प्रांत के लोग वो हो सकते हैं. मतलब लार्जर ऑडियंस होगी इसमें. ऑडियंस का मतलब यहाँ पे रीडर भी हो सकता है कि ये इस चीज़ को पढ़ा जाएगा. लिटरेचर का एक महत्वपूर्ण जॉनर के तौर पे सटायर को देखा जाता है. सटायर एक, जो सटायरिस्ट होता है, जो राइटर होता है, सटायरिस्ट, सटायर करने वाला होता है, वो एक डॉक्टर की तरह होता है, जिसके पास एक शार्प, एक उसका डिवाइस होता है डॉक्टर का, जिसके साथ वो जो मोल है उसको निकाल देता है. मतलब कोई बुराई को उखाड़ फेंकता है. और इसकी जो एक एग्जांपल है, सबसे बड़ी एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल, जोनाथन स्विफ्ट की है, गुलीवर ट्रेवल्स, जिसमें गुलीवर ने पूरे इंग्लैंड के लोगों के ऊपर व्यंग किया. यहाँ पे जो चीज़ नहीं मेंशन, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ. सटायर दो तरह की होती हैं. एक होरेशियन सटायर होती है, जिसको माइल्ड सटायर भी कहा जाता है, और दूसरी जुविनेलियन सटायर होती है, जिसे एक हार्श किस्म की सटायर कहा जाता है. तो ये सटायर है, हमने सटायर के बारे में पढ़ा. अब हम बात करेंगे सार्केज्म की. सार्केज्म क्या है?
सार्केज्म शब्द आपने सुना होगा, कई बार सार्कास्टिक भी कह देते हैं, ये बंदा सार्कास्टिक हो रहा है। इसको अगर आप पंजाबी और हिंदी की डिक्शनरी में देखोगे तो आपको इसका मीनिंग भी व्यंग मिलेगा, पर ये सटायर सार्केज्म सटायर से डिफरेंट है। सार्केज्म असल में एक इंसल्ट होती है, और जिसको एक इंसल्ट जो कि कवर्ड ढंग से एप्रिसिएशन के रूप में की जाती है, मतलब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो और वो प्रशंसा असल में प्रशंसा नहीं है, वो प्रशंसा वाले कुछ शब्द हो सकते हैं पर वो एक इंसल्ट है। सार्कैज़म एक इंसल्ट है, उसको बस इंसल्ट को कवर किया गया है प्रेज के फॉर्म में। जब इंसल्ट की जाती है तो लोग इंसल्टेड फील करते हैं, अपसेट भी हो जाते हैं, हर्ट भी होते हैं, और सार्केज्म इंडिविजुअल बंदे के ऊपर होती है, इसमें ये लार्जर ऑडियंस के लिए नहीं है, मतलब आप किसी बंदे के लिए सार्केज्म यूज़ कर सकते हो। और सार्केज्म जब आपने यूज़ करोगे ना, तो आपके मन में उस बंदे के लिए किसी तरह का कोई भाव नहीं होगा कि यार ये बंदा सुधर जाए, वो सिर्फ़ एक इंसल्ट है, आप उस बंदे को सुधारना नहीं चाहते। जस्ट इफ़ यू यू जस्ट वॉन्ट टू इंसल्ट हिम और हर। सार्केज्म कोई यौनर तो है नहीं, ये एक वर्बल कन्वर्सेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। जब आप बात करते हो तो किसी की इंसल्ट करते हो, आप किन शब्दों के साथ? प्रेज वाले शब्दों के साथ। किसी की प्रशंसा करते हुए आप प्रशंसा वाले शब्दों के साथ आप किसी की इंसल्ट कर देते हो। जो राइटर है, जब वो सार्केज्म को यूज़ करता है तो उसको मज़ा आता है लोगों को हर्ट करके। एक एग्जाम्पल है सार्केज्म की कि डोंट बोदर अबाउट मी, आई एम लिविंग हैप्पीली इवन आफ्टर, मतलब अगर आपका दोस्त है वो जा रहा है तो आप सिंपली उसे कह सकते हो, मुंह पे कह सकते हो कि यार तू मेरे बारे में ख्याल मत कर, मैं तो तेरे जाने के बाद भी बड़ा खुश रहूँगा। ये भी एक इंसल्ट है, अब तू मेरे बारे में बॉदर ना कर, ना चिंतित हो तू, तू यार जा, मैं तो तेरे बाद भी खुश रहूँगा। तो ये सार्केज्म है।